Assalamualaikum viewers, my name is Van Chima. I welcome back with another video of Capital Smart City. This is Walking Tail episode 8. और इस वीडियो में आपको जो ब्लॉक जी और ब्लॉक ई को डिवाइडर रोड है बेसिकली हिल व्यू रोड, उस रोड पे वॉक कर रहा हूँ. और उस रोड पे हाफ पार्ट ऐसा है जिसकी कॉम्पैक्शन या प्रॉपर जो लेआउट प्लान बना होता है वो बन गया है, और हाफ पार्ट ऐसा है जिसपे अभी तक जो है वो आपके सामने मशीनें पहाड़ काट रही हैं. दिस इज अबाउट ओवर हेड वाटर टैंक जो है ये बेसिकली लीनियर पार्क की ज़मीन है जिससे भी कटाई हो रही है. अच्छा, मैं यहाँ एक बड़ा अच्छा फैक्ट बताता हूँ आपको. ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये जिस रोड पे मैं वॉक कर रहा हूँ अभी, यानी ये वाले प्रीमिसेस, ये सारी ये जो प्रीमिसेस आपको नज़र आ रही है ना, एंड यहाँ तक, ये एक वक्त था कि यहाँ पे सिर्फ मतलब पहाड़ियाँ थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था. यानी कि जिस तरह ये मशीन इन पहाड़ों को तोड़ रही है ना, ये पहाड़ी तोड़ के नीचे, हालांकि इस ज़मीन के नीचे प्रॉपर पथरीली ज़मीन है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के जो ये आपको मशीनें नज़र आ रही हैं, ये वहाँ से किसी और ब्लॉक से मिट्टी लेके आती हैं, यहाँ पे डालती हैं, देखें सामने, और उसके बाद फिर उसकी प्रॉपरली उसके ऊपर कॉम्पैक्टर लगा के उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, और ओवरऑल जो है उसकी रोड को तैयार कर दिया जाता है. तो हिल व्यू रोड के अब देखा जाए तो इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस ये है कि पहले इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता था. और आज की डेट में यहाँ पर डेवलपमेंट ये है कि इस रोड पे प्रॉपरली कॉम्पैक्शन का काम आधी रोड पे हो चुका है, जो ब्लॉक जी और ब्लॉक ई को डिवाइड करती है, बल्कि ब्लॉक एफ को डिवाइड करती है, और आधी रोड ऐसी है जिस पे काम अभी रहता है. अभी आगे चलते हैं. आगे आपको शोर बहुत सुनाई देगा, मेरी आवाज़ कम आए, बट देखते हैं. अच्छा जी, ये साइड जो है हिलवी रोड की, इसके ऑपोजिट साइड जो है वो ब्लॉक डी के ये विलाज हैं कुछ, आई डोंट नो यहाँ से नज़र आएंगे कि नहीं, बट ये विलाज जो हैं ये आर्मी हाइट्स है, पीछे ब्लॉक डी के विलाज हैं. और ये कटिंग का काम हो रहा है, इसे कहते हैं कटाई पहाड़ों की, जो प्रॉपरली पहाड़ थे यहाँ पे, और ये क्रशिंग मशीन लगा के इनको तोड़ा जा रहा है, और इसको तोड़ के प्रॉपरली फिर आगे किसी दूसरी जगह ले जाएगा. मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. ये हिलवी रोड था, और ये जो मशीन्स आपको काम करती हैं नज़र आ रही हैं, इस मशीन ने इन पत्थरों को तोड़ना है, प्रॉपरली इस कॉम्पैक्शन होनी है, और उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट जो मुकम्मल हो जाएगी. तो ये जो सारी आपको पेस नज़र आई है, ये पिछले 2.5-3 महीने में काम हुआ सारा, और अभी एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो मैंने एक आई थिंक 8-9 डेज पहले एक वीडियो बनाई थी जिससे मैंने कहा था कि कुछ फैसले होने वाले हैं, एंड मेरे पास होपफुली आजकल में वो लेटर आ जाएगा, तो आई अपडेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट अगर आपकी जस्ट अ सजेशन, साइड नोट, आपने किसी सेल्स पार्टनर से भी बुक किया हो प्लॉट एनी वेयर, ठीक है, सिर्फ आप उस प्लॉट को होल्ड करें एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. क्योंकि अभी अगले 3-4 महीनों में बहुत कुछ होने वाला है स्मार्ट सिटी को लेके, तो स्टे ट्यून्ड. आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत सारी नई अपडेट्स आएंगी रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी, और स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका मैं अभी पब्लिकली जिक्र नहीं कर सकता, बट उन पॉइंट्स के बारे में हम 110% श्योर कि वो काम हो चुके हैं, एंड जब अनाउंस होंगी चीज़ें तो इंशाल्लाह मैं सवाले से बाद में डिटेल्स बता दूंगा. वेल व्यूअर्स, दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए. खुदा हाफिज़.